ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि एक सिपाही है, परंतु उसको भी सरकार कहा जाएगा। जो खड़ा हुआ है सिपाही, उसको भी सरकार, हम यहां से निकल जाए तो उसको भी सरकार कहा जाएगा। ऐसे ही श्री कृष्ण ने अनेक अनेक अवतार धारण किए और अवतार को भी साक्षात अवतार की ही कह करके संबोधित किया जा सकता है। इसी आधार पर बहुत सारे लोग अनेक अवतारों को भी साक्षात अवतारी के रूप में निर्धारित कर देते हैं। यहां तक कोई गलती नहीं है, झमेला होगा तब जबकि उल्टा कर दिया जाए, इतना करने में कोई परेशानी नहीं है, परंतु तो उल्टा कर दिया जाए तो फिर रसावास हो जाएगा कि उनके अवतार कहीं कृष्ण है, ये यदि कह दिया जाए तो ये बात तो नहीं उतरेगी गले के नीचे, ये बात स्वीकार नहीं होगी। यदि कोई ये कह दे कि जो नारद हैं उनके अवतार कृष्ण है, आप ये कैसे कोई मान लेगा? ऐसा नहीं माने, कृष्ण के अवतार नारद होकर के, कृष्ण के अवतार व्यास होकर के विराजमान, कोई ये कह दे व्यास के अवतार कृष्ण है तो ये बात नहीं मान जाएगी। व्यास कृष्ण एक है यहां तक बात सही, परंतु जो अवतारी है शास्त्री जिनको स्पष्ट रूप से स्थापित कर रहा है अवतारी के रूप में, उनको यदि अवतार बना दिया जाए तो विरोध होगा। अवतार अवतारी एक हैं इतना कहने में कोई विरोध नहीं है, तो इस पूरे में कहीं भ्रम नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में ये समझना चाहिए कि अवतार द्वारा कह रहे हैं, निष्कर्ष रूप में यह समझना चाहिए कि अवतार और अवतारी एक हैं। ऐसी स्थिति में अवतार को अवतारी कहकर के यदि कोई उनकी महिमा का गायन करे तब तक तो कोई दोष नहीं है, परंतु यदि कोई अवतार को अवतारी बना करके अवतारी को अवतार बनाने की कोशिश करेगा तो वहां पर वो उचित नहीं होगा, वो शास्त्र के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए कृष्ण वामन है, कृष्ण नृसिंह है, कृष्ण नरनारायण है, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। और कृष्ण शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण से लेकर के और अंतर्यामी तक सब जगह कृष्ण शब्द का प्रयोग हो सकता है। जैसे सप्तम स्कंध में श्री नृसिंह भगवान के चरित्र का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा कि एषा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मना अवतार कथा पुण्य। सप्तम स्कंध का एक श्लोक है नृसिंह लीला की समाप्ति पर कि ये हमने तुम्हारे सामने कृष्ण की कथा कही। आपको ये कैसे है भाई, कथा तो कह रहे हो नृसिंह की और कह रहे हो हम कृष्ण की कथा कह रहे हैं, ये कैसे मान है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां पर कहने का तात्पर्य ये है वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि अवतार अवतारी में अभेद है और अवतार अवतारी में अभेद होने पर अवतार के लिए भी कृष्ण शब्द का प्रयोग हो सकता है। हाँ, कृष्ण को यदि कोई छोटा बनाने की कोशिश करे वो स्वीकार नहीं, अवतार अवतारी में अभेद है यहां तक तो कोई दोष नहीं है, परंतु तो यदि कोई अवतारी को जो साक्षात नंदन कृष्ण है स्वयं स्वरूप, उनको यदि कोई किसी अन्य अंश का अवतार बनाने का प्रयत्न करे तो ये शास्त्र के अनुरूप नहीं, एक है इतना कहने में कोई बुराई की बात नहीं, परंतु ये उनके अवतार हैं ऐसा कहना गलत होगा। इसी तरह से यदि कोई ये कह दे कि भाई श्रीमद् भागवत में तो ऐसा लगता है कि देवता पहले क्षीर समुद्र पर विष्णु भगवान के पास में गए और विष्णु भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया, ये गलत, ये स्वीकार नहीं हुआ। कृष्ण और विष्णु एक हैं यहां तक मानना तो ठीक है, परंतु तो कृष्ण विष्णु के अवतार हैं ये यदि कहा जाए कि विष्णु के, अब आजकल खूब कहा जाता है, कितना गलत प्रचार किया जाता है कि विष्णु के नौवें अवतार कृष्ण हैं, अभी कोई बात है क्या?
कहना ये उचित नहीं है। टीवी में वो सब में देखो कृष्ण के नौवें अवतार, विष्णु के नौवें अवतार कृष्ण है, तो ऐसा ये कहना उचित नहीं है। सिद्धांत विरुद्ध है, ये जानकारी का अभाव। अवतार अवतारी दोनों में अभेद होने के कारण अवतार को भी अवतारी कहा जा सकता है। जैसे एक ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला जो सिपाही है उसको भी सरकार कहा जाता है, सरकार कहा जाएगा और उससे भी पूछ के जाया जाएगा सरकार हमें इधर से निकल जाए, वो कह देगा तो फिर निकल जाएंगे। बंदे हैं और ये लोग कह रहा है कि अच्छा जा सकते हो तो निकला जा सकता है, तो सिपाही को भी सरकार कहा जाएगा बोलने। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति को या चक्रवर्ती राजा को हम सिपाही कहते हैं। सिपाही को तो चक्रवर्ती कहा जा सकता है, परंतु चक्रवर्ती को सिपाही कहना ये उसका अवमूल्यन होगा, डिवैल्यूएशन होगा, डिमोशन होगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कहने का मतलब मूल पाना ये है कि कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, बिल्कुल सही। कोई कहते हैं कृष्ण ही नर नारायण है, नर नारायण कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही। कहे कृष्ण है साक्षात बामन, कुछ कहते हैं कि कृष्ण साक्षात बामन है, कृष्ण बामन में कोई अंतर नहीं है। अवतारी अवतार हो सकता है, ये बात भी सही है। कहे कृष्ण क्षीरोदशाही अवतार, कुछ कहते हैं कि कृष्ण क्षीरोदशाही के अवतार है, असंभव है। परंतु यदि कोई उल्टा कहे कि कृष्ण क्षीरोदशाही के अवतार हैं और अवतारी क्षीरोदशाही हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। कोई कहता है कि कृष्ण ने ही क्षीरोदशाही के रूप में अवतार धारण किया, यहां तक तो ठीक। परंतु यदि कोई उल्टा करके कहे कि क्षीरोदशाही कृष्ण है, ये ठीक है, परंतु कृष्ण क्षीरोदशाही के अवतार है, ये कहना गलत होगा। असंभव नहीं सत्य वचन सभा, अवतार अवतारी को एक करके कहना यह असंभव नहीं है, सत्य वचन सत्य है। कृष्ण जब अवतरे सर्वांश आश्रय, कृष्ण जब सर्वांश आश्रय होकर के अवतरित होते हैं, सर्व अंश आश्रित तौर पर कृष्ण से मिले, उस समय श्री कृष्ण में सारे अंश आकर के मिल जाते हैं और कृष्ण की उस समय स्तुति करते हुए ये कहा जाए कि मारे तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो, तुम ही नृसिंह हो, तुम ही बामन हो, तुम ही नारायण हो, तो ये कहा जा सकता है क्योंकि कृष्ण में सारे अवतार उस समय मिले हुए। सकल संभव है कृष्ण कछु नहीं मिथ्या न ही, सब संभव है कुछ भी मिथ्या नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार, अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करे सभा दिखाई। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ने सर्व अवतारों की लीला की और सबको दिखाया भी। एक बार श्रीमद महाप्रभु आप जिस समय शुक्लांबर ब्रह्मचारी के संकीर्तन करते हुए घर में पहुंचे और शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर गया से लौट करके जब महाप्रभु आए हैं श्री दीक्षा ग्रहण करने की जो लीला है उसको करके श्री महाप्रभु जब आए और उस समय आप आनंद पूर्वक श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी उनके घर में कीर्तन कर रहे हैं, उस समय श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर श्री महाप्रभु का में नृसिंह का श्री वराह का जो स्वरूप है वो प्रकट हो गया, सर्वप्रथम वराह स्वरूप प्रकट हो गया। और वराह स्वरूप में महाप्रभु का आकार भी कुछ कुछ वराह जैसा प्रतीत हो गया, माने श्री मुख जो है वो कुछ आगे बढ़ा हुआ ऐसा प्रतीत हुआ, सबने देखा वराह आवेश में श्री महाप्रभु विराजमान है। फिर इसके बाद में शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी को संग में लेकर के महाप्रभु आनंद पूर्वक श्रीवास पंडित के घर पर कीर्तन करते रहे, नित्य कीर्तन ही प्रारंभ हो गया और नित्य कीर्तन प्रारंभ होकर के
एक दिन श्री महाप्रभु में सप्त प्रहरिया भाव प्रकट हुआ, अर्थात विष्णु भावों में सात प्रहर तक महाप्रभु उस समय विराजमान रहे। और ऊंचा जो एक सिंहासन लगा हुआ था जहां ठाकुर जी को ला करके कभी कभी पधराया जाता था, ठाकुर जी जैसे मंदिर में है परंतु तो कहीं उत्सव होता है तो एक तखत लगा करके या ऊंचा एक चबूतरा बना करके एक ऊंचा स्थान है कि ठाकुर जी यहाँ आकर के बैठेंगे, कभी उत्सव होगा उस समय दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर भी आकर के निज मंदिर के, तो जो विष्णु सिंहासन था ठाकुर जी वहां पर नहीं विराजमान है, ठाकुर जी तो भीतर विराजमान है, परंतु जो एक स्थान है उस स्थान पर श्री महाप्रभु जाकर के ऊंचे स्थान पर स्वयं विराज गए। और स्वयं विराजमान होकर के महाप्रभु में उस समय श्री नारायण भाव महाप्रकाश वो प्रकट हुआ। और नारायण भाव में उसी तरह की आपकी भाषा बदल गई, अरे भक्तों इधर आओ मेरी कृपा को ग्रहण करो, इस तरह की भाषा बदल गई। नहीं तो महाप्रभु तो पर विनम्रता से बोलते हैं, कहां तो भक्त भाव रहता है सदा, हम तो ठाकुर जी के दास हैं, दीन हैं, आए नंद किंकरम, हम तो किंकर हैं, कहां तो ये भाषा बोलते हैं महाप्रभु, और कहां मैं सबका स्वामी हूं, मैं तुम्हारे अनुग्रह करने के लिए अवतरित हुआ हूं, इस भाव को ऐसे वचन महाप्रभु कहने लगे। और एक एक को बुला करके श्री महाप्रभु उस समय कृपा कर रहे हैं, और जो भक्त जो मांग रहा है सभी भक्ति मांग रहे हैं महाप्रभु के भक्तों में, तो कोई और फालतू की चीज तो मांगेगा नहीं, पर महाप्रभु सबको भक्ति दान कर रहे हैं, तुम्हारे मुझे भी भक्त तो जरूर तुझे भक्ति मिलेगी, ऐसा कर ऐसा कर, ऐसे महाप्रभु आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और ये जो भाव था ये भाव सात प्रहर तक महाप्रभु में बराबर बना रहा, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता था पांच मिनट सात मिनट के लिए कोई भाव आया, एक आवेश आया, फिर इसके बाद में सीधे बिल्कुल वही सामान्य स्थिति में महाप्रभु आ जाए। परंतु सप्त प्रहरिया कीर्तन में सारे भक्त सात प्रहर तक निरंतर निरंतर कीर्तन कर रहे हैं और महाप्रभु में एक ही भाव निरंतर बना रहा, तो उस समय सबके ऊपर कृपा की। उस समय श्री मुकुंद जो है वो मुकुंद के ऊपर भी बड़ी देर में कृपा की, मुकुंद दरवाजे के बाहर खड़े हैं, महाप्रभु एक एक का नाम लेकर कहां गया वो उधर मेरा बंधन का, ऐसे सबकी सबसे अपना प्रणाम करवा रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और श्रीवास पंडित महाप्रभु के पास में खड़े हैं, कभी कभी याद भी दिला रहे हैं श्रीवास पंडित, तुम्हारे मुकुंद तो आपके बड़े प्रिय मित्र हैं, बाल्यकाल के साथी हैं, उनके ऊपर कृपा नहीं होगी क्या, सबका नाम दे रहे हैं, आशा करें शायद आप बुलाएं, शायद आप बुलाएं, परंतु नहीं आए। मुकुंद पे रहा नहीं गया, मुकुंद उस समय श्रीवास पंडित को बुलाए जरा बाहर आओ, श्रीवास पंडित जैसे ही आए बोले मेरा नाम कब लिया जाएगा, महाप्रभु मुझे नहीं बुला रहे हैं, मेरे ऊपर कब कृपा होगी महाप्रभु की, जब बहुत देर हो गई और मुकुंद का नाम लिया ही नहीं जा रहा है, उस समय शिवास पंडित पर रहा नहीं गया और शिवास पंडित ने महाप्रभु को टोक भी दिया, कहा मारे मुकुंद तो आपके बाल्यकाल के सहपाठी हैं, बड़े कृपा पात्र हैं, उनके ऊपर कृपा नहीं होगी क्या। महाप्रभु उस समय बड़ा बेरुखी दिखाते हुए बोले नहीं नहीं मुकुंद के ऊपर मेरी कृपा नहीं है, बोले क्यों मुकुंद ने ऐसा क्या अपराध किया है, अब तो वे आपसे प्रार्थना कर रहे हैं उनके अपराध को क्षमा करते हैं, बोले ना ये मुकुंद ज्ञानियों के बीच में जाता है तो ब्रह्म ब्रह्म की बात करने लगता है, ब्रह्म ब्रह्म गाने लगता है, ये योगियों के बीच में जाने लगता है तो उस समय कुंडलनी और अष्टचक्र षटचक्र उनके भेदन की और एड़ा पिंगला नाड़ी उनकी सुषुम्ना और उनकी बात करने लगता है, योग की बात करने लगता है, और भक्तों के बीच में आता है तो अपनी बड़ी भक्ति छाड़ता है, इसकी कहीं एक जगह निष्ठा है नहीं। मुकुंद बाहर से पूछ रहे हैं
बोले जरा बताओ फिर मेरे ऊपर कृपा कब होगी। भगवान बोले अभी नहीं होगी कृपा, 100 जन्म के बाद में कृपा होगी। मुकुंद नाचने लगे बोले होगी 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 कृपा होगी, प्रभु कह रहे हैं कृपा होगी, इस बात की चिंता नहीं कि 100 जन्म के बाद में होगी, महाप्रभु ने मुझे अपनाया है, कृपा करना चाहते हैं। इस बात को लेकर के आनंद में श्री मुकुंद नाचने लगे। भगवान बोले बुला लो हो गई कृपा, 100 जन्म पूरे हो गए इतने में हो गए पूरे, इनकी उत्कंठा दे करके बुला लो बुला लो। श्री मुकुंद के ऊपर कृपा करते ऐसा श्री महाप्रभु का कितना कृपामय स्वरूप, ये अनंत अत्यंत अत्यंत कृपामय स्वरूप। और श्री मुकुंद को इस बात का दुख नहीं है 100 जन्म में कृपा होगी, इस बात का आनंद है कि श्री प्रभु मुझे अपनाएंगे और प्रभु ने वचन दिया है कि तेरे ऊपर कृपा करूंगा। इस वचन मात्र से श्री मुकुंद नाचने लगते हैं। तो ये अद्भुतता श्री महाप्रभु। तो यहां पर प्रसंग जो चल रहा है उस प्रसंग में जैसे कृष्ण के भीतर सब अवतार हैं, इसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु के भीतर भी सब अवतार हैं और सभी पार्षद सभी लीला उस समय श्री महाप्रभु सबको साथ में लेकर के जब जब कीर्तन कर रहे हैं तो महाप्रभु के चरित्र में वो जितने भी स्वरूप हैं वे स्वरूपों की सीमा सीमा सब दिख रही है। सब श्री महाप्रभु की वंदना करते हुए विराजमान है। तो अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाएं सर्व अवतार लीला करे सभारे दिखाए, इसलिए श्री चैतन्य गोस्वामी सारे अवतारों की लीला करते हैं और लीला नहीं करते हैं सबको दिखाते भी। इसे एक सिद्धि भी हो रहा है कि श्री महाप्रभु और कृष्ण एक हैं, ऐसे ही श्री बलराम प्रभु और कृष्ण एक हैं। श्री महाप्रभु में सब अवतार का तो सबसे पहले वराह अवतार का दर्शन किया, फिर वराह अवतार के बाद में अनेक बार नृसिंह अवतार, अनेक बार जो सदाशिव का स्वरूप है वो दिखा, अनेक बार दुर्गा प्रभृति इनके भाव को भी कहीं दिखाया गया। तो ये सारे अवतार भी प्रतीत होते हुए विराजमान श्री नित्यानंद प्रभु, उनका तो कहना है कि नित्यानंद प्रभु के सामने श्री बालक हैं और गांव में कोई सपेरा आया वो सर्प का खेल दिखा रहा है विशाला, और श्री नित्यानंद प्रभु ने कहीं कोई सर्प है विशाला सर्प, उस विशाले सर्प को पकड़ लिया और पकड़ करके गले में पहन लिया और उनकी देखा देखी एक ईर्ष्या वाले व्यक्ति ने भी जैसे ही सर्प को छुआ उसने उसको काट लिया और मर गया। तो नित्यानंद प्रभु की बात अलग है, वे संकर्षण स्वरूप होकर के विराजमान, तो उनकी कोई नकल दूसरा करता है तो केवल अपनी महिमा को दिखाने के लिए कि सब लोग नित्यानंद प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं कि ये निताई अद्भुत हैं अद्भुत हैं और ये जय जयकार कर रहे हैं, और उसकी देखा देखी कि इनकी जय जयकार हो रही है, ईर्ष्या में यदि कोई उनके साथ में द्वेष करते हुए नाटक करे उन जैसा तो उसका तो अंश हो जाए। तो ये नित्यानंद प्रभु की क्षमता है। तो सर्व अवतार लीला करे सभारे दिखाए, सारे अवतार करते हैं और सबको दिखाते हैं। यही स्वरूप नित्यानंद अनंत प्रकाश, इस प्रकाश नित्यानंद प्रभु अनंत प्रकाश धारण करके विराजमान है, परंतु से भावे कहे हुए चैतन्य दास। श्री नित्यानंद प्रभु अनंत प्रकाश होकर के विराजमान है, सारे स्वरूप धारण करने में समर्थ हैं, वे ही संकर्षण हैं, वे ही प्रद्युम्न हैं, वे ही अनंत हैं, वे ही अनंत हैं, वे ही बलराम का स्वरूप भी उनमें प्रकट हो रहा है, नित्यानंद स्वरूप की लीला है इसी प्रकार की, सारे अवतार उनमें प्रकट हो रहे हैं, परंतु विष्णु नित्यानंद प्रभु सर्वदा सर्वदा ये कहते हैं कि मैं तो चैतन्य का दास ही हूं।
ऐसा भी कहते हैं। विश्व हया कृष्ण सोने माथा माथी रो कभू कृष्ण करे तारे पाद संभाल। कभी तो खेल खेल में वृषाय मारो नर्दनता हुई। श्रीमद भागवत में वचन कहे गए कि राम कृष्ण दोनों बाल्य लीला में जिस समय आप पौगंड लीला में विराजमान है उस समय बैल की तरह से सिर से सिर लड़ाकर लगा करके और लड़ते हैं। जैसे बैल लड़ते हैं ऐसे खेल खेल में राम कृष्ण दोनों सिर से सिर भड़ा करके और लड़ रहे हैं कि कौन किसको पीछे धक्का दे। जैसे बैल लड़ते हैं ऐसे तो वृष हैया बैल बन करके कृष्ण सोने माथा माथे रो कृष्ण के साथ में ये सिर से सिर भड़ा करके युद्ध करते हैं और एक दूसरे को धक्का देना चाहते हैं। कहूं कृष्ण करे तारे पाद संवाहन और कभी श्री कृष्ण ही श्री बलराम प्रभु का चरण संवाहन करते हैं। पाल संवाहन चक्र के चित्त महात्मना कोई कच संभाय त्याग पाद संवाहन आदि भी श्रीमद भागवत में वर्णन किया गया कि कभी आर्यम मान श्री बलदारो उनका आप चरण पलोटते हैं। बलदारो जी को विराजमान करके दादा मैं तुम्हारे पैर दबा दू ऐसे श्री बलदारो जी के पैर श्री कृष्ण दबाते हैं। और वहां पर कई वैष्णव आचार्यों ने निरूपण किया कि पाद संवाहन करते करते कृष्ण अपना रूप श्री बलदारो जी को प्रदान करते। ऐसे श्री बलराम को जिस समय द्वारका से ब्रज में भेजा उस समय भी श्री कृष्ण ने बलराम का आलिंगन करके जब उनको विदा किया आलिंगन करते समय अपने काला स्वरूप अपना श्याम स्वरूप श्री बलदाऊ जी को प्रदान कर दिया। और ब्रज में जितने भी दाऊ जी मिलते हैं श्री बज्रनाथ जी ने जिन स्वरूपों की स्थापना की बज्रनाथ जी के समय के जो दाऊ जी मिलते हैं बजनाव जी द्वारा स्थापित वे सारे दाऊ जी सब शाम है। तो ये शाम स्वरूप जो है वो शाम स्वरूप ही विराजमान है। ब्रज में अनेक जगह जैसे बलभद्र दाऊ जी में जो मुख्य वृंदावन ब्रज के राजा हैं वो श्री बलराम का स्वरूप है। ऐंचा दाऊ जी में श्री बचना भगवान के स्थापित स्वरूप है वे श्री बचना भगवान के स्थापित हैं। इसी प्रकार नारी में जो स्वरूप है वो भी कहीं उनके ही स्थापित स्वरूप है। माठ में जो दाऊ जी का स्वरूप है वो स्वरूप भी पुराना स्वरूप है ब्रज के चार बलभद्र प्रधान होकर के विराजमान और जो श्री बचनाथ जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं उस समय कृष्ण के अंतर्धान होने के कुछ समय पश्चात श्री बलराम जी श्री कृष्ण के पंक्ति श्री बज्रनाथ जी ने जब ब्रज की पुनः स्थापना की तो चार जो बलराम के स्वरूप हैं वो स्थापित उन्होंने की है। तो ये ऐचा दाव जी का स्वरूप नदी सैगरी में नदी में जो श्री बलदाव जी का स्वरूप है वो नदी में बलदाव जी का स्वरूप श्री मुख्य बलदाव जी माठ के जो बलदाव जी हैं वे ये सब स्वरूप पुराने स्वरूप हैं। तो पंत सब साम्रे स्वरूप हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि विश्वहैया कृष्ण सोने माया माथा माथी राम कभी बैल बन करके दोनों भाई सिर से सिर भिड़ा करके युद्ध करते हैं। कमो कृष्ण करे तारे पाद संवाहन कभी कृष्ण श्री बलदाव जी के पैरों का संवाहन करते हैं। आपना के भक्त करी कृष्ण प्रभु माने और कभी श्री बलदेव अपने को सेवक करके मानते हैं प्रभु को श्री कृष्ण को अपना स्वामी करके मानते हैं। कृष्ण कला कला आपना के माने और कभी कृष्ण की कला की भी कला
अपने आप को मानते हैं। अभी शिव भारती को तीनों उदाहरण दे रहे हैं कि बाल लीला में वृषाय मानो नर्दंतम, कभी बैल बन करके नर्दंतम माने आवाज करते हुए युद्ध आते परस्परम, वे परस्पर युद्ध करते हुए विराजमान होते हैं। और अनुपत्ति रुतई जंतु, कभी रुतई माने आवाज में जंतु उनका अनुकरण कर रहे हैं, अर्थात कोई कोयल बोल रही है ये हो तो ये भी बोले, मोर बोल रहा है ये हो तो ये भी ये हो ऐसे करके, और कौन तेज बोले मोयल कोयल मोर इनकी आवाज का अनुकरण कर रहे हैं, ये कोयल बोल की आवाज का अनुकरण कर रहे हैं और वो लाइन लग जाए। एक बार मोर बोले ये हो, एक बार ये बोले एक कुहू कुहू वो कोयल बोले, एक बार ये बोले ऐसे अनुकृत्य होते हैं जंतु। जंतु जो है उनका हंस मोर इत्यादि इनका अनुकरण करते हैं, शेर इत्यादि का भी अनुकरण करते हैं। चेर तो प्राप्त यथा, जैसे एक सामान्य बालक क्रीड़ा करता है ऐसे प्राकृत बालक की तरह से ये क्रीड़ा कर रहे हैं। इसी तरह से कह रहे हैं क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत संगोप वर्णन स्वयं विश्रामेति आर्यम पाद संवाहन आदि भी। आर्यम माने बलराम जी को, श्री बलराम प्रभु को जो कि क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम खेल में थक गए हैं, और गोपोत संगोप वर्णन कोई गोप उनकी गोदी में अपना सिर रख करके श्री बलदेव सो रहे हैं। स्वयं विश्रामेति आर्यम, उस समय श्री कृष्ण आते हैं और कृष्ण आकर के श्री बलराम के पैरों को दबाते हैं, पाद सम्मान करते हुए आर्य माने श्री बलदेव को, विश्रामेति माने थकान दूर करते हुए विश्राम दिलाते हुए विराजमान होते हैं। अब जब श्री कृष्ण ही ब्रह्म मोहन लीला में सारे बछड़ा बालक बन गए, उस समय श्री बलराम विचार कर रहे हैं कि केम बापुत आया था दैवी वा नारी नारी उत्तर आसुरी, ये मैं सब जगह कृष्ण कृष्ण को क्यों देख रहा हूं, ये माया कहां से आई, ये माया कौन सी कैसी अद्भुत होकर के विराजमान है, ये दैवी है किसी देवता की माया है कि नारी माने कोई जादूगर नहीं मनुष्य नहीं नर नहीं कोई माया प्रकट की है, नारी है नारी माने मनुष्य के द्वारा रची गई, उत आसुरी अथवा ये किसी असुर की माया है, ये देवता की माया है कि मनुष्य की है कि असुर की है, प्राय मायास्तु मे भर्तुः, फिर विचार कर रहे हैं कि नहीं नहीं कोई दूसरे की माया नहीं हो सकती है, ये मेरे स्वामी की ही माया है, क्योंकि नान्या मे विमोहिनी, प्राय किसी दूसरे की माया से मैं मोहित नहीं हो सकता हूं, ये कृष्ण की ही माया है जिससे मैं मोहित हो रहा हूं। वे ही श्री बलदेव अपने आप को कृष्ण का दास करके मानते हैं, और जिस समय श्री कृष्ण कौरवों की सभा में गए, एक बार ऐसा हुआ कि सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण करना चाहा, उस समय 6 कौरवों ने एक साथ आक्रमण करके सांब को बांध दिया और सांब को जेल में डाल दिया। 4 महीने तक सांब जेल में रहे, उस समय श्री कृष्ण को पता लगा तो अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए सांब को, जाम्बवती के पुत्र है सांब, उनको छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण कौरवों के ऊपर आक्रमण करने के लिए सेना सजाने लगे कि अपन कौरवों से लड़ते हैं और बच्चे को छुड़ा करके लाए। बलदाव जी बोले नहीं बेटा नहीं, नहीं भैया नहीं,
अपनी भुआ में आई है कुंती, मैं दूत बनकर के जाता हूं, सब चरित्र चल रहे हैं, बलराम की चरित्र चल रहे हैं, यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का चरित्र चल रहा है, इसलिए बलराम की चरित्र चल रहे हैं। तो श्री बलदाव जी स्वयं हस्तिनापुर में गए और वहां पर पांडवों के महल में नहीं गए, अलग कहीं डेरा डाल करके किसी बगीचे में रहे और पांडव कौरवों के पास में खबर भेजी कि हम उग्रसेन महाराज के दूत बन करके आए हैं। अब श्री बलदाव जी का तो सब आदर करें, स्वयं दुर्योधन ने बलदाव जी से ही गदा युद्ध की शिक्षा ली थी, तो ये तो सबके बड़े भी हैं, आदरणीय भी हैं, पद में भी बड़े हैं और सब ने शिक्षा भी ली, इसलिए सब गुरु भी मानते हैं कौरव। तो गुरु जी ने बुलाया है, ये सुनकर के सारे कौरव श्री बलदेव की सभा में आए। बलदेव उस समय सभा में उठे और कहा कि उग्रसेन महाराज ने आपको एक आदेश दिया है, उसको आप ध्यान पूर्वक सुने। और वो आदेश ये है कि आपने अधर्म पूर्वक सांब को जो बांध लिया है वो उचित नहीं किया है, यद्यप है तो ये एक दंडनीय अपराध, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, ये उग्रसेन महाराज का एक अपमान है, परंतु फिर भी क्योंकि आप लोगों के साथ में हमारे पारिवारिक संबंध हैं, हमारी बुआ कुंती भी आपके साथ में विवाही है, आपके वंश में विवाही है, इसलिए हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हुआ हुआ हम इस बात को भुला देंगे, कोई भुला नहीं है, कोई बात नहीं है, केवल यही है कि ये तो एक अच्छी ही बात हुई कि हमारे परिवार में एक ही विवाह संबंध नहीं बल्कि दो दो विवाह संबंध हो जाएंगे तो और भी ज्यादा हम लोगों की रिश्तेदारी गाढ़ हो जाएगी, रिश्तेदारी होने पर तो और ज्यादा स्नेह गाढ़ होता है, संबंध होने पर इसके और भी ज्यादा गाढ़ हो जाएगी। हम लोगों का संबंध कुछ ऐसा नहीं है कि यूं ही कोई खजर वृक्ष संबंध हो, ऐसा संबंध नहीं है। खजर वृक्ष न्याय एक खजर रसन न्याय, खजर रसन न्याय संबंध नहीं है। तो खजर रसन न्याय संबंध क्या होता है, बोले किसी गांव में किसी ब्राह्मण के पास में ब्राह्मण का घर था, कोई दूसरे ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले, इतने में ही संध्या हो गई, रात हो गई, और उनके कहां जाएं, तो गांव में ढूंढ रहे थे वो।